तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर के आया हूँ, आज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओप्पो रेनो 4 मोबाइल फोन आया है। और इस ओप्पो रेनो 4 के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसका कर्व स्क्रीन है वो पूरा फूट गया था, पूरा स्क्रीन खराब हो गया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्क्रीन को हम लोग रिप्लेसमेंट कैसे करने वाले हैं, स्क्रीन को कैसे चेंज करने वाले हैं। तो कर्व डिस्प्ले को कैसे चेंज करेंगे उसका क्या, एक मैं आपको मेथड बताता हूँ और मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि लगाने को तो स्क्रीन सेम वैसे ही लगाया जाता है, लेकिन इसका तो सही तरीका क्या होता है, किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, किन किन चीजों को ध्यान देंगे जिससे आपका कर्व स्क्रीन प्रॉपर तरीके से काम करे। क्योंकि कर्व स्क्रीन एक पेपर डिस्प्ले होती है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर देंगे तब भी आपके चलता रहता है, जब ये बिल्कुल बराबर इस तरीके से ऐसे नहीं मुड़नी चाहिए तभी डिस्प्ले खराब होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्प्ले कर्व नहीं होती, डिस्प्ले हमेशा सीधी ही होती है, बस ये पेपर टाइप में होती है, तो इसका जो ग्लास आता है ये कर्व होता है, इसके कारण से ये हमारा जब इसमें बैठेगा तो अपना सांचा झाई साइज ले लेता है और ये कर्व बन जाता है। तो आज मैं इस कर्व कॉम्बो को चेंज करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये ओप्पो रेनो 4 है और इस मोबाइल फोन के अंदर कर्व स्क्रीन को हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पूरा प्रॉपर तरीके से चला जाता है। सबसे पहली बात, इसको आप निकाल लेंगे, निकालते समय आप तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली बात तो यहाँ पर सेंसर लगा होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर कैमरा सेंसर लगा होता है, इस चीज का फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे। प्लस यहाँ पर फ्रंट कैमरा लगा होता है, ऊपर की तरफ सेंसर लगा होता है, इन सब चीजों को आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। जब आप ग्लू लगाएंगे तो इन चीजों पर ग्लू नहीं लगाएंगे, ये बात खास तौर पर ध्यान रखेंगे। इसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहली बात, ये जो स्क्रीन जब आप लाएंगे तो इसको अपने इसको साइज में एक बार रख करके देख लेना है कि नया स्क्रीन है वो इसमें प्रॉपर तरीके से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इस चीज को एक बार मैच कर लेना। ये देखिए हमारा प्रॉपर बैठ रहा है, फिटिंग हमारा अच्छा होना चाहिए, फिटिंग का कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपने इसको अच्छे तरीके से रख करके देख लिया है। अब इसको बाद आप इसको इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद जब भी आप स्क्रीन चेंज करेंगे तो ध्यान रखेंगे स्क्रीन आपके प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए, स्क्रीन को साफ कर लेंगे, ग्लू ग्लू से अच्छे तरीके से पूरा क्लीन कर लेंगे। अब आप इसको चिपकाने के लिए, पेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, साइड साइड में ग्लू लगाएंगे, सेंसर का ध्यान रखेंगे, सेंसर पर ग्लू नहीं लगाएंगे, चारों तरफ से हल्का 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 अच्छी तरीके से आप पेस्ट को लगा देंगे। सेंसर को बचा के रखेंगे। अब आप ग्लू लगाने के बाद, इसका ग्लू अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, इस चीज के लिए आप साफ कर लेंगे इसको। अगर अंदर चला जाता तो उसको आप क्लीन कर लीजिए। फिर ये पेपर डिस्प्ले होती है, इसको आप अच्छी तरीके से पत्ते को फोल्ड करेंगे और इसको हम लोग मोबाइल फोन में चिपकाएंगे। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से, मैं आपको कर्व स्क्रीन को लगाने का तरीका बता रहा हूँ, सही तरीका बता रहा हूँ वो कैसे आप लगाएंगे। कि आप जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर कर्व स्क्रीन काफी आ रहा है, क्योंकि अब जितने नए नए फोन आ रहे हैं, टेक्नो है, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, तो मोस्टली सभी लोग कर्व को ही फोकस कर रहे हैं। तो जब कर्व फोकस कर रहे हैं तो कर्व का आगे टाइम फ्यूचर काफी आने वाला है,
हम लोग कर्व का ग्लास चेंज करना, कर्व की स्क्रीन चेंज करना, ये सारा सब कुछ इन चीजों में देखेंगे। ये सब चीजें टेक्निकली होती हैं, थोड़ा सा बारीक होती हैं, तो आप सावधानी पूर्वक करेंगे। जल्दबाजी है, ताकत है, फोकस है, फोर्स है, आप बिल्कुल भी इन चीजों का प्रयोग ना करें। हमने इसको यूआई को प्रॉपर निकाल लिया है। अब हमको यूआई के नीचे जो हमारा एंटीना है उसको पहले उसका फिटिंग करना पड़ेगा। अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे फोन में नेटवर्क की शिकायत आ जाएगी, नेटवर्क वीकनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं कि कर्व स्क्रीन को कैसे रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। ये वीडियो जितने नए टेक्नीशियन भाई होते हैं उनके लिए बहुत मदद करती है। वो लोग वीडियो के माध्यम से काफी कुछ समझते हैं, सीखते हैं। और अच्छा, ये नए नए वीडियो मैं इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इस लाइन में, मोबाइल फोन रिपेयरिंग लाइन में, तो वो लोग भी वीडियो के माध्यम से बहुत उनको हेल्प मिलती रहती है। कभी भी इन सब चीजों में ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ताकत का, फोर्स का, ऐसा कोई भी भाई आप इस्तेमाल ना करें। अब इसकी बैक साइड की जो जाली है इसको हम अच्छे से टाइट करेंगे। ताकि हमारा फोन गिरने के बाद इसके स्क्रू वगैरह कभी लूज ना हो। इसको प्रॉपर टाइट करेंगे। सारे प्रॉपर नट टाइट करने के बाद फिर मैं आपको स्क्रीन को चेक कराता हूँ। ऑन हो गया है।
मैं आपको पूरा चेक कराता हूँ कि फोन कैसा चल रहा है। ये मेरा मोबाइल फोन ओके है। आप सबसे पहले ब्राइटनेस चेक करिए, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ओके। एक बार स्क्रीन को लॉक करिए, फिर ऑन करिए, लॉक ऑन करिए ताकि आप चेक कर पाए। पासवर्ड खुल रहा है, मोबाइल फोन का स्क्रीन प्रॉपर चल रहा है। फोन को स्विच ऑफ करेंगे। फोन और इसका पीछे का बैक ग्लास खराब था, इसको हमने नथिंग बना दिया है। नथिंग जैसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ये मिल नहीं रहा था। ये हमारे पास फोन पूरा रेडी हो गया है। ये फोन हमारा प्रॉपर फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों कि आज की वीडियो में हम लोगों ने ओप्पो रेनो 4 कर्व मोबाइल फोन का स्क्रीन को कैसे चेंज किया है उसका तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग सिखाते हैं, और सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, और आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ त्योहार को, फेस्टिवल को एंजॉय करिए। और हम लोग जो सर इसी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स को सिखाते हैं, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में पूरा टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में है, ईटेक इंस्टीट्यूट नाम से, और कानपुर सेंट्रल स्टेशन यहाँ से 500 मीटर दूर पास में पड़ता है। तो यहाँ पर आप आकर के सीख सकते हैं। अभी दीपावली के बाद हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सीखना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, या उनको थोड़ा बहुत काम आता है, आधा अधूरा काम आता है, अगर पूरा कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं, पूरा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC प्रोग्रामिंग, ICU का काम, टच डिस्प्ले कर्व, काम्बो का काम, इस तरीके